नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। विशेष रूप से हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी के अंतर्गत आज हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को लेकर के यह हमारा तीसरा व्याख्यान है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए जब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि जो पिछला जो क्वेश्चंस पेपर आया उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण करते हुए आगामी परीक्षा के लिए रणनीति उसको बनानी चाहिए, ताकि वो उचित रणनीति के माध्यम से आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सके। हम इसी कड़ी के अंतर्गत कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 की पेपर का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से संबंधित जो आज हमारा पहला टॉपिक है वह है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो रैशनल चॉइस थ्योरी है यह इकोनॉमिक्स के माध्यम से आई, यानी जो रैशनल चॉइस थ्योरी है यह इकोनॉमी के मॉडल पर आधारित है। रैशनल चॉइस थ्योरी के अंतर्गत जो विश्लेषण की मुख्य इकाई है वह है इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस, यानी व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण किया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो व्यक्ति होता है, वह हमेशा रैशनल होता है, यानी तार्किक होता है, और वो अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके हमेशा अपने जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों का निर्धारण करता है, यानी उसको किस तरह के साध्य की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी उसका लक्ष्य किस तरह का होना चाहिए। जब वो लक्ष्य का निर्धारण करता है तब वो अपनी रैशनलिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करता है। अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए ही वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। फिर वह देखता है कि जब उसने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए तब उस लक्ष्य की प्राप्ति किस तरह से की जा सकती है, तो वहां पर भी वह जो साधन अपनाता है वह साधन भी वह रैशनलिटी के माध्यम से ही उनका चयन करता है, यानी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने साध्य जो होते हैं उनका निर्धारण करता है, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है। फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस तरीके से की जा सकती है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो वह साधन इस्तेमाल करता है उन साधनों के इस्तेमाल के लिए भी, यानी उन साधनों के निर्धारण के लिए भी वो अपनी तर्क बुद्धि का ही इस्तेमाल करता है। जैसे आपने ये निर्धारित किया कि मुझे कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, तो आपने जब इस लक्ष्य का निर्धारण किया तब आपने रैशनलिटी का इस्तेमाल किया कि मैं जो मेरा लक्ष्य है ये लक्ष्य होना चाहिए। जब आप तैयारी करते हैं तब जो साधन आप अपनाते हैं, जिस तरह के आप कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिन बुक्स को पढ़ते हैं, जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं, तब भी आप रैशनलिटी का इस्तेमाल ही करते हैं, तार्किकता का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। तो रैशनल चॉइस थ्योरी है यह इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी पर आधारित है, यानी पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद पर आधारित है। पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का सीधा सा अभिप्राय यही हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण करना, इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस करना। इसके अंतर्गत जो की पॉइंट जुड़ गया वह है रैशनलिटी, यानी तार्किकता। अब आप क्वेश्चन देखिए रैशनल चॉइस थ्योरी से। रैशनल चॉइस थ्योरी का जो पहला क्वेश्चन है वह है विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता गलत है। तो ये पूछ रहा है कि रैशनल चॉइस थ्योरी की ये चार विशेषता दी गई है और आपको ये चयन करना है कि इनमें से कौन सी विशेषता है वो गलत विशेषता है। पहली दी है कि साध्य और साधन को सही ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। रैशनल चॉइस थ्योरी यही कहती है कि व्यक्ति है या बाकी जो भी करता हो वो करता हमेशा रैशनलिटी का इस्तेमाल करते हुए ही अपने साध्य का निर्धारण करता है और उस साध्य की प्राप्ति के लिए वह जिन साधनों का इस्तेमाल करता है वह भी सही ढंग से अभिव्यक्त
किए जा सकते हैं, यानी रैशनलिटी के माध्यम से साध्य और साधन को निर्धारित सही तरीके से किया जा सकता है। दूसरा दिया कि जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग करता है, यानी कोई कर्ता जब शक्ति का इस्तेमाल करता है तब वो अपने हितों की वृद्धि करने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा एक रैशनल एक्टर का उद्देश्य क्या होता है, एक रैशनल एक्टर का जो हमेशा उद्देश्य होता है अपने हितों को अधिकतम करना। शक्ति धारक जब शक्ति का प्रयोग अपने हितों की अभिवृद्धि अपने विरोधियों के हितों को रोकने के लिए करता है, यानी जब कर्ता अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तब उसका जो उद्देश्य होता है वो अपने हितों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और विरोधियों के जो हित है उसको रोकना। इसी रैशनलिटी का इस्तेमाल एक शक्ति धारक के द्वारा किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है कि जोखिम और अवसरों का सही आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति जब रैशनलिटी का इस्तेमाल करेगा तो वो जो उसके साध्य की प्राप्ति के लिए जो जोखिम आएंगे, जिस तरह के अवसर आएंगे, उन अवसरों का वो सही तरीके से उनका आकलन कर सकता है। सही तरीके से आकलन करके उनका विश्लेषण करके फिर उसी तरह का वो रैशनल बिहेवियर करता है। चौथी जो विशेषता है वह है व्यक्ति जब निर्णय लेते हैं बिना ये सोचे कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी ये बिल्कुल नहीं कहती। रैशनल चॉइस थ्योरी तो ये कहती है कि इंडिविजुअल जब भी कोई डिसीजन लेता है तब ये सोचता है कि अन्य लोग भी किस तरह के विकल्प है वो आजमा सकते हैं, तो ये जो कथन है वो गलत कथन हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है कि व्यक्ति जब निर्णय लेते हैं बिना ये सोचे, यानी सोचते ही नहीं है कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं, जबकि रैशनल चॉइस थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति जब डिसीजन लेता है तब ये सोचता है कि अन्य लोग भी किस तरह के विकल्पों को आजमा सकते हैं। जैसे आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तब आप ये भी सोचते हैं कि अन्य लोग किस तरह के विकल्प अपना सकते हैं, मैं अन्य लोगों से किस तरीके से बेहतर रणनीति को अपनाऊं ताकि प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जो लास्ट मेरिट आएगी उसके अंतर्गत उस लिस्ट में अपना नाम मैं वो चयनित करवा सकूं। तो हमेशा व्यक्ति है वो रैशनलिटी का इस्तेमाल करता है और रैशनलिटी का जब वो इस्तेमाल करता है तब ये भी सोचता है कि दूसरे लोग है वो किस तरह के विकल्प है वो अपना सकते हैं। तो रैशनल चॉइस थ्योरी की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से, यह व्यक्ति निर्णय लेते हैं बिना ये सोचे कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा उपागम ये मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं। यानी क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का ऐसा कौन सा अप्रोच है जो ये मानता है कि डिसीजन मेकर्स जब अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का वो इस्तेमाल करते हैं उन साधनों का वो कुशल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसा कौन मानता है, ऐसा मानते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी, विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत या तार्किक चयन सिद्धांत। तार्किक चयन सिद्धांत का आधार यही है कि जब डिसीजन मेकर्स है वे अपने जब वो निर्णय लेते हैं तब वो जिस तरह के साध्य का वो निर्धारण करते हैं उस साध्य का प्राप्त करने के लिए वो जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उनका तार्किक तरीके से कुशल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुशल तरीके से रणनीतियां बना करके जब इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं तब वो उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जो अप्रोच है वह है विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी। गेम थ्योरी ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये गेम थ्योरी का जो मॉडल है यह भी रैशनल चॉइस थ्योरी का ही उदाहरण है। गेम थ्योरी ये बात करती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो कर्ता है, यानी कर्ता कौन है, राज्य है, सीधी सी बात, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो मुख्य कर्ता है वह स्टेट ये। तो गेम थ्योरी ये कहती है कि जब स्टेट अपना बिहेवियर करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत तब वह भी रैशनल बिहेवियर ही करते हैं, वो हमेशा इस तरह की रणनीतियां और साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अपने जो प्रॉफिट है उसको ज्यादा से ज्यादा कर सके, लॉस को कम से कम कर सके। तो ये जो गेम थ्योरी है ये तो रैशनल चॉइस थ्योरी का ही एक उदाहरण है। और जो है वो संस्थावाद, नवसंस्थावाद, इस तरह के अप्रोच जिसकी हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत भी चर्चा की थी, तो रैशनल चॉइस थ्योरी।
नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी रैशनल चॉइस थ्योरी से संबंधित है। विवेकपूर्ण चयन राजनीतिक विश्लेषण का वह उपागम है जो इस बात की जांच करता है कि विनिश्चय निर्माता कैसे साधनों का कुशल उपयोग करके अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल इसी की चर्चा की अपने पिछले क्वेश्चंस के अंतर्गत है। इसमें भी यही कहा गया है कि जब विवेकपूर्ण चयन यानी रैशनल चॉइस क्या है, रैशनल चॉइस राजनीतिक विश्लेषण का वह उपागम है जो इस बात की जांच करता है कि विनिश्चय निर्माता यानी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, कैसे साधनों का कुशल उपयोग करके अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही रैशनल चॉइस का मतलब है। यानी रैशनल चॉइस थ्योरी को यहां डिफाइन किया गया है कि रैशनल चॉइस राजनीतिक विश्लेषण का वह उपागम है जो इस बात की जांच करता है कि निर्णय निर्माता कैसे साधनों का कुशलतम उपयोग करके अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है वह दिया है, कारण बताया जिसमें यह कहा मनुष्य विवेकशील होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि रैशनल चॉइस थ्योरी तो यही मानती है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो व्यक्ति या मनुष्य होता है, वो हमेशा रैशनल होता है। इसलिए वो अपनी रैशनलिटी का इस्तेमाल करता है, वह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, वह जब भी किसी प्रकार का जब वो निर्णय लेता है तब यह देखता है कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं या जिस तरह के साध्य का निर्धारण मैं कर रहा हूं उस पर मुझे कितना कॉस्ट आएगा और बदले के अंतर्गत मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। तो जब व्यक्ति को ये लगता है कि कॉस्ट कम आएगी उसकी और उसका बेनिफिट है वो ज्यादा होगा, तभी वो उस तरह के साध्यों का इस्तेमाल करता है, उस तरह के साधनों का इस्तेमाल करता है। तो इसमें कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो जो सही ऑप्शन है वो यह है कि ए और आर दोनों एकांकी रूप में सत्य है और जो आर है वो ए का सही विवेचन भी करता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने विशेष रूप से रैशनल चॉइस थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चंस का इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि ये रैशनल चॉइस थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे ये भी आपको समझ में आए और कुछ हद तक रैशनल चॉइस थ्योरी है वह भी आपको समझ में आई होगी। मुख्यतः सीधी सी बात यही है कि रैशनल चॉइस थ्योरी यह कहती है कि विश्लेषण की इकाई क्या है। विश्लेषण की इकाई रैशनल चॉइस थ्योरी के अंतर्गत इंडिविजुअल यानी व्यक्ति है और ये व्यक्ति को विवेकपूर्ण मानते हैं, व्यक्ति को रैशनल मानते हैं और यह कहती है कि व्यक्ति जब भी कोई निर्णय लेता है, जब भी कोई वो अपने साध्य का निर्धारण करता है तब हमेशा वह रैशनलिटी का इस्तेमाल करता है, वह तार्किकता का इस्तेमाल करता है, वह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अपनी रणनीतियों का चयन करता है, फिर जो वह रणनीति निर्धारित करता है उस रणनीति की प्राप्ति के लिए वह विवेकपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करता है ताकि उस तरह के साधनों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति है वो की जा सके। मुख्यतः यह अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है रैशनल चॉइस थ्योरी। बाद में एथनी डाउन्स और मैनकुर ओल्सन जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने इस थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी इस्तेमाल किया। एथनी डाउन्स को अगर देखते हैं आप तो एथनी डाउन्स की जो पुस्तक है वह है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत। लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत एथनी डाउन्स ने जिस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है लोकतंत्र के विश्लेषण के लिए वह अर्थव्यवस्था पर आधारित है, रैशनल चॉइस थ्योरी पर ही आधारित है। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत रैशनल चॉइस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए हम पॉलिटिकल पार्टियों के मध्य जो कंपटीशन होता है उनको समझ सकते हैं, दबाव समूहों की जो गतिविधियां हैं उनको समझा जा सकता है, इलेक्शन जो होते हैं उनको समझ सकते हैं, मतदाता किस तरीके से मतदान करते हैं वो किस तरह से अपनी रैशनलिटी का इस्तेमाल करते हैं उनको समझ सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से रैशनलिटी का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेती है उनको भी समझा जा सकता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की जो रैशनल चॉइस थ्योरी का मॉडल है
उसको 1960 और 70 के दशक के अंतर्गत लागू किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।